धनतेरस से पहले वाला दिन, और जिस दिन वीडियो आप देख रहे होंगे उस दिन होगा धनतेरस। धनतेरस तो सबको अ वेरी 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 हैप्पी धनतेरस और छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली। तो आज मैं बनाने वाली हूँ स्वीट्स, और ये जो ब्लॉग है ये है दिवाली स्वीट्स नमकीन। अब पता नहीं मैं कितना बना सकती हूँ या बना पाऊंगी, क्योंकि मैंने सोचा तो बहुत कुछ है दिमाग में और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी मेरी। अक्सर ऐसा होता है वीडियो मिस हो जाती है या फिर एंड दिवाली के टाइम आती है तो आप लोग ऑब्वियसली नहीं देख पाते किसी को कुछ बनाना है, मन कर रहा है। तो मैं कोशिश पूरी करूंगी कि हम इस वीडियो में काफ़ी सारे डिशेस इंक्लूड कर लें, बट क्योंकि मेरे दो छोटे छोटे प्यारे बच्चे हैं जिनको मैं आपको दिखा रही थी, क्योंकि फिर मेरे पास कंप्लेन आती है अपने जिया को नहीं दिखाया, अपने अद्विक को नहीं दिखाया, अपने जिया को नहीं दिखाया। तो आज की जो वीडियो गई थी उसमें अद्विक नहीं, जिया नहीं थी, तो जिया के लिए जो है बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है और बहुत खुश भी हो रही है। दोनों तैयार है अपने अपने, और डेकोरेशन भी है वो शुरू हो चुकी है हम लोगों के घर में। सफाई भी जो है वो चल ही रही है, बस थोड़ी बहुत बची जो आज रात को हम कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बनाने वाली हूँ चिवड़ा नमकीन, यानी कि पोहे की नमकीन। पोहा नमकीन के लिए ना मैं ये वाला पोहा ले रही हूँ, ये ना पतला पोहा आता है, आप पतला पोहे के नाम से ले सकते हो। तो इससे जो पोहे की नमकीन है वो अच्छी बनती है। अगर आप मोटा पोहा लेते हो तो वो थोड़ा सा आपके दांतों के लिए थोड़ी सी हो जाती है, पर ये काफ़ी अच्छी बनती है, क्रिस्प ज़्यादा आता है। और जो मोटा पोहा रहता है वो अक्सर जो आपका गीला उपमा वाला पोहा बनाने के लिए होता है उसके लिए होता है। तो चलिए जल्दी से मैं इसको मतलब एकदम हेल्दी बनाएंगे। आप चाहे तो उसे तेल में भी उतारते हैं कुछ लोग, बट क्या होता है जो पोहा रहता है उसमें ना ऑयल भर जाता है, जो मेथड मुझे अच्छा नहीं लगता उसमें। वो तेल ही में आप डालो डायरेक्ट, डीप फ्राई करते हैं पोहे को, पर हम लोग इसे ड्राई रोस्ट करेंगे क्योंकि थोड़ी सी हेल्दी नमकीन बनानी है मुझे। तो मैं ले रही हूँ सबसे पहले ये पोहा पतला। तो सबसे पहले मैं कर रही हूँ गैस ऑन, और उसके बाद मैं रखी है कढ़ाई। कढ़ाई रखने के बाद फिर जो पोहा है, इसे हम पेपर पोहा भी बोलते हैं, आपको पेपर पोहा के नाम से भी पोहा मिल जाएगा, काफी बड़ा बड़ा दिखता है, पतला होता है। जब आप इसे भून लेते हो ना तो ये ना इसकी जो साइज है वो श्रिंक हो जाता है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली इस कॉर्नर से मुड़ जाता है, तो आपको पता चल जाएगा कि भुन गया है। और ठंडा करके देखोगे तो उस पर एक क्रिस्प आ जाएगी। तो मैंने इसे कढ़ाई में डाला, उसके बाद मैंने इसे दूसरी कढ़ाई में शिफ्ट किया क्योंकि बहुत सारा हो गया था, मैं इसे चला नहीं पाती और नीचे वाला पोहा लग जाता, ऊपर वाला पोहा सिकता नहीं। तो मैंने दोनों पोहों को रख दिया है सिम पे, और यहाँ पे दोनों को मैं भून रही हूँ। बीच बीच में आपको आवाज आ सकती है क्योंकि राजा और अद्वैत सब खेल रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे नारियल निकाला है, एक सेकेंड। तो अद्वैत को पता है वॉइस ओवर कर रही हूँ, जब मैं वॉइस ओवर कर रही होती तो वो जानबूझ के अलग करने आता है, चिल्ला रहा है। तो यहाँ मैं नारियल काट रही थी, कट नहीं रहा था, इसे गोला गोला मिल जाता है आपको डीमार्ट पे, कभी मिल जाएगा वैसे गोला। तो ये गोले को मैं तोड़ लूंगी, और उसके बाद फिर इसके ना पतले पतले स्लाइसेस काटने हैं, इतने पतले काटेगा कि ये भुने ना तो ये क्रिस्प आ जाएगा इसमें। तो ये सब चीजें जो है वो आपके ऊपर है, आपको क्या क्या डालना है तो ये ऑप्शनल है। वो ना अच्छे से भुन गया, इतने क्रिस्प की आवाज आएगी। अभी फिलहाल आपको बहुत सी आवाज आ रही है, जिया अभी बबल्स खेल रहे हैं। तो हमारा पोहा जो है वो हो गया है डन। तो मैं इसे एक खाली परात में निकाल रही हूँ ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए। तो जितनी भी नमकीन आप बनाते हो उन्हें ठंडा, और आप मटरी वटरी जो भी हो उन्हें ठंडा करिए, उसके बाद ही भरिएगा। तो देखिए अच्छे से एकदम भुन गया है ये, हमारी बैकग्राउंड म्यूजिक दे रही है आराम। अब बारी बारी से जो सामान है वो मैं भूनना शुरू करूंगी। तो पहले मैं सबसे पहले मूंगफली भून रही हूँ, तो मूंगफली तो डलती है, तो इसको मैं मंदी गैस पे भूनूंगी जब तक कि ये अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए। जब मूंगफली भुन जाएगी तो हमें इसे उतार लेना है। उसके बाद
फिर आपको जैसे मैंने बोला आपको जो जो चीजें इसमें ऐड करनी है वो डाल सकते हो। उसके बाद मैंने इसमें नारियल डाला। मैं एक चीज बहुत ज्यादा मिस कर रही थी, मक्के के आते हैं यार वो पॉपकॉर्न नहीं आते, मक्के के पाप छोटे छोटे से वो आते हैं, उसे ना भून के डालो तो उससे बहुत अच्छे लगते हैं, वो क्रिस्प आ जाती है, कुछ पापड़ बोलते छोटे छोटे से आते हैं वो भी ऐड कर लो यार बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे नारियल भून लिया, फिर मैंने थोड़ा सा काजू बचा था, इतना ही काजू था घर में तो मैंने वो भी डाल दिया कि चलो ठीक है। थोड़ा सा यार ज्यादा बन जाती हैं चीजें क्योंकि अदवे को जिया को मेरे बीच बीच में देखना पड़ता है, कोई देखिए मैं फिर छोड़ के भग गई थी यहाँ पे। उसके बाद मैंने जो काजू वो निकाला, फिर मैंने यहाँ पे जो चने आते हैं बुने हुए वो डाले, कटे हुए भी आते हैं वो दाल में भुने हुए वो आप डाल लीजिए, मेरे पास थे नहीं तो मैंने छिलका निकाल के कर दिया। फिर किशमिश तो इसमें आई थिंक मस्ट है, कुछ लोग शुगर भी डालते हैं वो आपके ऊपर है, शुगर हम लोग नहीं डालते, मुझे शुगर नहीं पसंद है नमकीन में, तो ये मैंने इसमें डाल दी तो इसमें हल्का हल्की सी मिठास आ जाती है, तो इसे और मेरे को लग रहा था मैं और डालूंगी वो नमकीन में ना मेरे को छाट छाट के खा ली यार अच्छी लगती है। फिर मैंने यहाँ पे डाली है हरी मिर्ची, हरी मिर्च को तब तक भूनना है जब तक कि अच्छे से ये सूखी टाइप की ना हो जाए, वरना ये नमकीन में ना नमी दे देगी आपकी। तो मैंने इसमें राई डाली है और फिर मैंने इसमें डाली है हरी मिर्च, इसको अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद जब ये अच्छे से भुनेगी उसके बाद मैं इसमें करी पत्ता डालूंगी। तो करी पत्ते का पेड़ हमारे घर में ना सूख गया है, एकदम छोटे छोटे से करी पत्ते बचे हुए हैं, तो मैं करी पत्ते डाल लूंगी। करी पत्ता डालने के बाद फिर इसमें जो भी मसाले आपको ऐड करने हैं, मैं इसमें लाल मिर्ची पाउडर, अमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और हल्दी, ये सारी चीजें जो है वो भून के डालूंगी। तो मैंने गैस इस टाइम पे बंद कर दी थी क्योंकि मसाला जल सकता था ऑलरेडी, क्योंकि हम मूंगफली जो है वो कर रहे हैं, सॉरी मूंगफली बोल रहे हो, मिर्ची जो है कब से तेल पे आग लगा के रखी थी। फिर मैंने यहाँ पे जो मसाला वो ऐड किया, थोड़ा सा पोहा मैंने डाल के जो कढ़ाई है वो साफ करी है, उसके बाद फिर मैंने मूंगफली डाली। अभी भी ना क्या बोलते हैं बहुत सारा मसाला बचा हुआ था, वो भी मैं दोबारा से पोहा डाल के वो कर दूंगी। तो मैंने यहाँ पे जो नारियल वो चेक करी थी, नारियल अच्छे से भुन गए थे, उसके बाद फिर सब कुछ मिक्स करने के बाद इसे मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पोहा और कढ़ाई में डाल दिया था और उसके बाद एकदम ड्राई नमकीन, बहुत अच्छी नमकीन बनी है यार, बहुत अच्छी बहुत, मतलब मैं आधा डब्बा खत्म हो गया है अभी तक मेरी जब तक बनाई है ये। तो ये जो है ये बहुत ही इंस्टेंट, बहुत ही इजी, क्विक क्विक नमकीन है, इवन लाइट है, लाइक बहुत लाइट नमकीन है और घर की है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो अब नमकीन कर दी थी मैंने डन। तो ये नमकीन हो गई है तैयार, अब हम लोग चलते हैं अपनी सेकंड डिश की तरफ जो कि है शक्कर पारे। मैं बना रही हूँ शक्कर पारे, फिर बनाएंगे नमकीन पारे। उसके बाद मैं बना रही हूँ शक्कर पारे। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप मैदा, 1 कप आटा जो नॉर्मल आप आटा यूज करते हो गेहूं का वो, 1/2 कप घी और मैंने इसमें सॉफ्ट पाउडर डाला है, आप फुल साबुत सॉफ्ट डाल सकते हो। उसके बाद फिर मैंने हल्का सा नमक लाइक पिंच ऑफ सॉल्ट डाला है इसमें, एंड देन इसको मोयन लगाना है। मोयन लगाना एक मुट्ठी बंद होनी चाहिए, इतना मोयन लगना चाहिए। तो यहाँ पे अच्छे से जो मोयन है वो मैं मिक्स कर लूंगी और उसके बाद फिर आपको इसमें कुछ भी डालना है ना, कुछ लोग गुड़ डायरेक्ट डाल के बना लेते हैं पर हम इसमें चाशनी से बनाएंगे। तो यहाँ पे अच्छे से इसे केड़ा केड़ा आटा लाइक टाइट आटा जो है वो गूंदना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को 15 से 20 मिनट के लिए आपको सेट कराना, लाइक बिठा देना, लाइक ऐसे छोड़ देना। और उसके बाद फिर आपको पेड़े बना के जो अपनी शक्कर पारे है उसके लिए आटा रोटी जो है वो बेलनी है। तो हमें 3 लोई इससे बन गई थी, तो थोड़े से मोटे सही रहते हैं शक्कर पारे और थोड़े सॉफ्ट भी अच्छे बनते हैं वैसे, आप बना के देखिएगा। फिर मैंने यहाँ पे लोई तोड़ी है और उसके बाद फिर मैं इसे बेलना शुरू करूंगी। बच्चे दोनों ही आराम से थे, डुग्गू खेल रहा था, जिया इस टाइम पे सो गई थी, तो वो मेरे पास रसोई में रहती है तो वो घंटों बैठी रह सकती है रसोई में, उसके साथ ये है वो देखती रहती है मैं क्या कर रही हूँ, देखती रहती सो जाएगी फिर उठ जाएगी फिर सो जाएगी, उसे खिलाते रहो सोती जाती है आराम से, मतलब रहती है काम करने देते हैं, मतलब टच वर्क मेरे बच्चे काम करने देते हैं मुझे। तो यहाँ पे मैं फटाफट जो मठरी है वो काटूंगी, तो मैं यहाँ पे छोटी छोटी शेप में जो शक्कर पारे की मठरी है वो काट लूंगी। तो मैंने फटाफट मठरी काटी है, उसके बाद फिर मैं इसे ऑयल में डालूंगी, तो ऑयल ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि जो मटेरियल है वो धीरे धीरे कम आंच के तेल में कुक होती है। तो यहाँ मटेरियल हमारी बनना शुरू होगी और इसे मैं फ्राई करूंगी। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं और जो बाकी की लोइयां बची थी उससे भी मटेरियल को कट कर लूंगी। तो यहाँ पे हमारी जो और मटेरियल है वो भी हो गई है कट। फिर मैं मटेरियल को तेल से निकाल लूंगी जब ये कुक हो जाएगी। थोड़ी मटेरियल जो आपकी रहती है वो जब आप चाशनी में डालते हो तब भी कुक होती है ना, तो इसीलिए मैं इसे थोड़ा हल्का कलर रहता तभी निकाल लेती क्योंकि डार्क वहां पे हो जाएगा। 1 कप शुगर 1 कप वाटर का मेजरमेंट है, लाइक 1:1, 2 ले रहे हो 2:2 के उसमें जो चाशनी है वो रेडी करनी है। तो यार मैंने गैस चला के वहां पे ऑन कर दी थी
कि वो मेल्ट होना शुरू हो। इस बीच में जो बाकी की मटरी थी वो भी मैं निकाल लूंगी। तो यहाँ पे जो मटरी हमारी देखिए भी हल्के कलर की, यहाँ पे जो चाशनी है वो रेडी हो गई है। इसमें डाल देंगे हम लोग मटरी और मटरी को अब चलाते रहना है और चलाते रहना है क्योंकि चाशनी का टेम्परेचर भी हाई है तो आपका हल्का हल्का सा कलर भी आएगा। तो अभी देखिए मटरी में हल्का कलर भी आना शुरू होगा, इसलिए मैंने ऐसी मटरी, अगर आप जितनी डार्क मटरी उसके लिए उतारोगे उतना ज्यादा लाइक डार्क होता जाएगा। और मेरा जो चूल्हा है ना वो थोड़ा सा वो भी है, बड़ा भी है, ये वाली जो गैस है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है और मैंने गैस बंद कर दी थी। जब ये चाशनी सूखने लगेगी तो गैस बंद कर दीजिए, ऑटोमेटिकली वो रैप हो जाएगी और अलग अलग हो जाएगी। तो मैं आपको भी दिखाऊंगी जब वो ठंडी हो जाएगी। फिर मैंने यहाँ पे 1:1 के सेम रेशियो में मैदा और सूजी ली है और सूजी मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा डालती हूँ क्योंकि अद्विक को थोड़ी सॉफ्ट देनी पड़ती है, बच्चे बहुत टाइट मटरी नहीं खाते। इसको मैंने नमक डाल दिया है इसमें और इसमें फिर मैं काली मिर्च जो है वो डालूंगी। तो मैं ना सूजी वाली मटरी ज्यादा प्रेफर करती हूँ, सूजी और मैदा, तो जिसमें सूजी थोड़ी सी ज्यादा मटरी सॉफ्ट बनेगी। इवन पता है घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है वो भी बहुत इजिली खा लेगा, ये मटरी क्रिस्प रहेगी और बहुत अच्छी रहेगी। उसके बाद फिर मैंने इसमें अजवाइन डाली है, नमक डाल दिया है। फिर मैंने यहाँ पे जो आटा है वो लगाया है, तो इस आटे को कम से कम आधे घंटे सेट कराएगा क्योंकि जो सूजी है वो फूलेगी, अपनी जो सूजी की शेप होती है वो बढ़ती है पानी के साथ। तो धीरे धीरे मैं पानी डाल डाल के जो आटा है उसे थोड़ा सा टाइट ही गूंदना है क्योंकि मटरी का आटा है। फिर मैंने अपनी मटरी जो थी वो बेल ली और मेरी बैटरी जा रही थी इसलिए इन बिटवीन करे प्रोसेस है वो नहीं। उसके बाद फिर मैंने इसमें कटो मतलब क्या बोलते हैं ग्लास की हेल्प से थोड़े गोल वाले मेरे को लगा बना लेते हैं क्योंकि डुगू को अच्छे लगते हैं। तो बच्चों के लिए यार मेरे को अच्छा लग रहा है, पता है मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो किसी के लिए नहीं बनाती थी मैं, अब मैं सबके लिए बनाने लगी, पहले सिर्फ राजा के लिए बनाती थी, है ना। तो यहाँ पे डुगू बहुत अच्छे से शौक से खा रहा है मटर, तो मैंने यहाँ से अलग कर लिया। उसके बाद फिर मैं इसमें काली मिर्च लगा दी, आप लौंग लगा लो जो भी लगाना है आपको। थोड़ा सा मैंने इसे फोक से वो भी किया ताकि इसमें ना फूल ना जाए, गोलगप्पे ना बने, ये हमारी मटरी ही रहे। फिर जो तेल है उसे नॉर्मल गरम ही रखना है। फिर मैंने अभी जो मटरी है वो डाल दिया, अब इसे मीडियम गैस पे मैं सेकती रहूंगी जब तक ये अच्छे से ब्राउन ब्राउन सी ना हो जाए और क्रिस्प ना आ जाए, मतलब कुक ना हो जाए। तो यहाँ पर जो मेरी मटरी है वो भी तैयार हो गई है और उसके बाद अब इसे हम तेल में निकाल लेंगे। तो एक बार ट्राई करिएगा, ये पता है सूजी वाली बहुत बहुत, कुछ लोग आटे के बनाते हैं, आटे की बहुत अच्छी, सिंपल सिर्फ आटा रहता है उसमें और आटे की सिर्फ, बट वो जो है उसको खाने के लिए थोड़े से दांतों में आपका पावर होना चाहिए, पर वो लगती बहुत अच्छी है आटे वाली भी। तो फिर से मैं और जो मटरी का आटा रखा था वो पूरी मटरी मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा बनाई है, अद्विक को बहुत अच्छी लगती है, सो शाम में दे दो सुबह दे दो, ही लव्स मटरी। और साइज भी मैंने छोटा रखा है कि बच्चे के खाने के लायक रहे, वो छोटा सा पीस लेता है, घूमता रहता है खाता रहता है, तो रहता है ना घर का खा रहा है तो सुकून सा आपको रहता है। तो यहाँ पे जो मटरी है ये हो गई है, उसके बाद हमारी जो मटरी है मैं मतलब सेक के बाकी की जो मटरी है वो भी निकाल लूंगी। तो फटाफट ये जो सारे काम थे कर लिए, तो यहाँ पे हमारी मटरी भी तैयार हो गई थी। और उसके बाद चलते हैं हम मेन डिनर की तरफ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो आपका जो मेन डिनर रहता है ना वो बच जाता है, लेकिन खाने का जो भी काम रहता है। तो चलिए खाना बना लेते हैं जल्दी से। अभी क्या बोलते हैं, बना दिया मैंने 3 केक बन गए, और इधर से मुझे याद आया कि यार खाना बनाना है, तो मैं अभी बना रही हूँ नूडल्स और ये मैंने थोड़े से आलू फ्राई कर दिए हैं यहाँ पे, और ये आलू डुब्बू मैं और राधा खाएंगे, आलू बनेंगे आलू खा के। और यहाँ पे मटरी बन गई, मैं आपको दिखाऊंगी तो बहुत इतमान से ठंडी हो रही है। ये देखो दो प्रकार की मटरी है और एक ये शक्करपारे पे तैयार है, नमकीन हवा खाने गई है उस रूम में, ठंडी हो जाए, हालत खराब हो गई, इतना तो बना है टी मार्ट से लेके आई हूँ। बट पता नहीं है मुझे घर का लड्डू अपने हाथ के लड्डू पता नहीं कितने पसंद है, अगर मेरे पास अभी टाइम रहा तो एक मैं नारियल के लड्डू भी कर दूंगी। तो वो सो भी गई, उसने मम्मा को देखा मम्मा खाना बना रही है, कुछ तो करने में लगी है, तो सो भी गई, उठ भी गई सो के, और उसको मैंने खाना खिला दिया था उसको, पर अब वो फिर से खाना खाएगी, मेरे को पता है कि मुझे टाइम लग जाएगा। तो भी किचन काफी मैसी है पर खाना बनाना बहुत जरूरी था, क्योंकि क्या होगा खाना नहीं बनेगा मुझसे। तो मैंने यहाँ पर हरी मिर्च और प्याज काट लिया, मैं ना आलू और प्याज के नूडल्स बनाती हूँ एकदम मसाला वसाला डाल के, और अभी जब मटर आ जाएगी तो आलू मटर गाजर कैप्सिकम लाइक सारे मसाले डाल के नूडल्स जो बनते वो बनाऊंगी, पर अभी फिलहाल मटर यहाँ पे नहीं है। तो
मेरी नमकीन तैयार हो गई है। ये देखिए, ये मेरे नमक पारे तैयार हो गए हैं। इसे मैंने दो तरह के कर दिए थे और काफ़ी अच्छे बन गए हैं। और ये मेरी हो गई है शक्कर पारे तैयार। तो तीन चीज़ मैंने कर ली है तैयार। मुझे बताया कि ये स्ट्रेट खड़ी हो जा रही है, फिर मुँह के बल गिर जा रही है। स्ट्रेट खड़ी मतलब घुटने के बल खड़े होकर सहारा लेके खड़ी हो रही है। और अभी ये 7 महीने की हुई है, तो जिया को हैप्पी 7 मंथ विश कर दीजिएगा। अब मेरी जिया 7 महीने की हो गई। देखते देखते टाइम कितना चला जाता है आपको पता भी नहीं चलता है, क्योंकि मैं बताऊँ मुझे बिल्कुल पता भी चला है। वैसे चलता है यार, मैं काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ यार। पता है, बच्चा संभालना बहुत बड़ा काम होता है और उसके साथ घर संभालना बहुत बड़ा काम होता है। तो आज मुझे सीरियसली लगा था कि मैं बहुत सारी चीज़ें बना लूँगी, कम से कम 7-8 चीज़ें। 3 बना के मेरे को ना ऐसे पैर भोगने लगे मेरे। मेरी सुबह से कमर बहुत ज़्यादा दुख रही थी, राधा मना भी कर रही थी कि रहन दो, पर मेरा मन था डुगू शक्कर पारे। और डुगू स्पेशली जो मठरी है ना, वो बहुत अच्छे से खाता है। और नमकीन मुझे खाने का मन था पोहे की, तो वो मैंने बना के रख ली। और कल मैं सोच रही हूँ कि मैं ना लड्डू बनाऊँगी। और जो लड्डू मैं बनाने की सोच रही हूँ, वो सोच रही हूँ मैं गोंद के लड्डू बनाने की, क्योंकि ठंडे बनते हैं। मैं सोच रही हूँ बना के रख लेती हूँ, अभी बन जाएंगे, अभी हिम्मत है तो बन जाएंगे। पता नहीं चलता है यार कि आप में कब कितनी हिम्मत रहे क्या रहे। मुझे कल रात से ना एक प्रॉब्लम हो गई है, समझ में नहीं आ रहा क्यों हो रही है। मैं ना छींक रही हूँ, खांस रही हूँ, तो वो जो प्रेगनेंसी वाला प्रेशर आपको पड़ता है ना आपके यहाँ पेल्विक में, पेल्विक बोन पे, प्यूबिक बोन पे, अरे यार पेल्विक बोन पे, प्यूबिक बोन पे मैं बहुत कंफ्यूज होती हूँ, तो ना वो इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है मुझे, इतना दर्द हो रहा है। कल मेरे को 2 बार छींक लगी और मुझे लगा यार कि कुछ हो गया। और ये पेन मुझे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता था, और मैं खांस भी रही हूँ तो मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, कि वहाँ पर इतना पेट अंदर से मेरा दर्द हो रहा है। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा मेरे को, लग रहा है टाँकों में प्रॉब्लम है। टाँकों में 6 महीने बाद क्या प्रॉब्लम हो सकती है। कमर तो मेरी यार ऐसे दुख रही थी कि मेरे से ना खड़ा नहीं हुआ जा रहा था सुबह शाम, और मुझे पता है कि एक टाइम के बाद वो ठीक हो जाएगी। क्या हो गया तुम, ऐसे क्यों देख रही हो, क्यों देख रही हो ऐसे? मच्छर तो भर के हुए पड़े हैं यार। खड़ी हो रही है जो ये यार, बताइए 7 महीने में बच्चा क्यों खड़ा हो रहा है ये? बात ये कि पता है खड़ी हो रही है, इसका बैलेंस है नहीं अभी। ये ना ऐसे करके इसके सहारे खड़ी हो रही है, और उसके बाद अभी 2 बार ही राजा के ऊपर गिरते गिरते मतलब गिर गई थी पूरी। वो तो उसे चोट लगी नहीं, अपनी कॉट भी सेफ नहीं। कॉट से एक तो ये क्रॉल करके आ जा रही है बेड पे, रात भी रात अब उससे भी निकल जाए तो कोई वो नहीं है। वैसे हम लोग काफ़ी अलर्ट भी रहते हैं, बस कई बार नींद ऐसी होती है थकान के कारण पता नहीं चलता। और वो जो अपनी कॉट है ना, उस पर भी वो खड़ी हो रही है, वो जो उसके साइड से उस पर भी खड़ी हो रही है। तो वही लग रहा है कि उस पर ना पलट जाए। तो जिया जो है अभी थोड़ा सा वो कहाँ रखें समझ में नहीं आता, रॉकर पूरे टाइम रह नहीं सकती। गद्दे हम इतने डालते हैं, गद्दों से नीचे निकल जाती है, उसके लिए कोई जगह नहीं। उसके लिए ऑल टाइम एक इंसान का रहना ज़रूरी है। डुगू इस टाइम पर बहुत ज़्यादा नहीं करता था कुछ भी ऐसे, लाइक ओहो जिया पता लग जाएगी आपको, इधर आओ। तो चलिए, मैंने दिवाली की कुछ रेसिपी बना ली, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ यार। मैं ना अब जा रही हूँ आराम करने, सफाई भी करी है मैंने थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं कर पाई। अब देखते हैं, 1-2 दिन करते रहेंगे बीच बीच में, क्योंकि इतनी नहीं हो पाई। वैसे मेरा घर साफ ही था, क्योंकि मेरी जो एक हाउस हेल्प आई थी 3-4 महीने पहले, उसने मेरी किचन विचन सब डीप क्लीन कर दी थी। तो मैं उसको बाद ना साफ़ करती रहती थी, तो कोई इतना कुछ वो नहीं था, मेरी सब कुछ साफ ही था एक तरह से। तो वो है, नो नो बाय करोगी, बाय करोगी नहीं करोगी? इसको बस खेलना है, ऐसा खाना ले आना, ठंडा होगा, होगा। ये बहुत सारी जिया व्लॉग में, जिया और अद्विक, जिया और अद्विक। अगर किसी व्लॉग में नहीं आते तो जिया कहाँ है, अद्विक कहाँ है, जिया कहाँ है, अद्विक कहाँ है, जिया और अद्विक कहाँ है। तो आज मैंने जिया को भी ले लिया, अद्विक को भी ले लिया, और अपनी दिवाली की तैयारी भी कर ली है ना बेटा। इसको देखो बस। तो चलिए, मैं कर रही हूँ अपने इस वीडियो को एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। धनतेरस, धनतेरस, हैप्पी धनतेरस, हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी धनतेरस जियो।